सलमान खान ने अब खोला है बहुत बड़ा राज। यहाँ पर सलमान खान ने ईशा और अभिषेक की कुछ चैट्स जो है सभी को दिखाई है, और यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि इन चैट से ये सारा का सारा राज खुल चुका है कि किस तरीके से अब यहाँ पर ईशा अभिषेक एक प्लानिंग के साथ घर के अंदर आए हैं। सलमान ने इन दोनों को सबके सामने एक्सपोज करके रख दिया है और बता दिया है कि कैसे ये दोनों मिलकर सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए, क्या हुआ है ऐसा और क्या आ रही है खबर सामने, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल जिस तरीके से अब यहाँ पर अभिषेक और ईशा की चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरीके से अब यहाँ पर ब्लेम गेम करते हुए नज़र आए हैं, और जैसे ईशा ने ये जानते हुए कि अभिषेक उसकी बातें सुन रहा है बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने बोली और समर्थ के साथ उसका झगड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्री प्लान हुई हो। और यहाँ पर ये भी नज़र आया कि ईशा डबल गेम खेलने की कोशिश कर रही है। अब सलमान खान ने इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश कर दिया है और सलमान ने बता दिया है कि यहाँ पर ये दोनों घर के बाहर से ही इसकी प्लानिंग करके आए थे। आपको याद होगा अभिषेक ने एक एपिसोड में इस बात को माना था कि आने से पहले उसकी जो है ईशा से बात हुई है, और अब यहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि ईशा के साथ उसकी जो चैट हुई थी उसमें इन दोनों ने इस तरीके से प्लानिंग की थी कि घर के अंदर जाएंगे, एक दूसरे से दिखाएंगे, उसके बाद कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद जो है हम ये भी बताएंगे कि हम एक दूसरे से नाराज़ नहीं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब खुलासा हो रहा है और अब सोशल मीडिया पर लगातार एक चैट वायरल की जा रही है जिसपे इस बात का दावा किया गया है कि अभिषेक और ईशा इस तरीके की प्लानिंग कर कर घर के अंदर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस तरह की प्लानिंग करके अभिषेक और ईशा आए होंगे और समर्थ इनके बीच में अब वाकई में चिंटू बन रहा है? आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।